तो भी आपको कहीं से ये आदाद व शुमार नहीं मिलेंगे। तो पसमानगी की जो शक्ल है वो बहुत बड़ी है। और फिर दूसरा उसके साथ ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिसको आप सामाजिक सोशल वर्क सामाजिक काम कह रहे हैं या जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से अभी भी अपने बचपन के दौर से आगे नहीं बढ़ पाया है। वैसा क्यों है? क्योंकि उसमें आप हम लोग झूठ बोलने के इतने आदि हो गए हैं कि उसके अलावा और अपने बारे में सोचने के इतने आदि हो गए कि उसके इन दो चीज़ों के अलावा और दूसरी तरफ सोचने की हमने तकरीबन अपनी तमाम सलाहियतें खो दी हैं। तो इसीलिए आप नाम तो बहुत सुनते हैं कि साहब टाटा इंस्टीट्यूट में फलानी तारीख में सोशल वर्क की शुरुआत की गई और तब से लेके और आज तक इतने तकरीबन 75-80 साल में हज़ारों सोशल वर्कर्स मुख्तलिफ उसमें शक्लों में हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसके साथ ये कहूँ तो बुरा न मानिएगा कि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी गरीबी और अपनी पसमानदगी तो दूर कर ली है लेकिन असल मामले में जो पसमानदा हैं उनकी कोई ख़ास मदद वो नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह यह है कि पसमानदगी को दूर करने की क्या सूरत हो सकती है वो ना वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट बता पा रहे हैं ना दुनिया के मारूफ से मारूफ जिनको नोबल प्राइज़ दिया जा चुका है वो बता पा रहे हैं कि दौलत पैदा करना वो तो बहुत आसान है लेकिन दौलत को इस हिसाब से बांटना या इस्तेमाल करना कि वो हर आदमी तक पहुंचे और उसकी ज़रूरतें पूरी हों ये कोई भी नहीं आज तक बता पाया। इसका कोई निज़ाम नहीं वो बना पाया। उन मुल्कों में जहां दूसरी जंग आज़ादी के बाद एक तरह की मार्क्सिस्ट हुकूमत कायम हुई थी उसने कोशिश इस सिलसिले में ज़रूर की लेकिन उसमें भी आखिर में कामयाबी किस वजह से नहीं मिली क्योंकि तमाम इंसान जो उनके अंदर सोचने की और समझने की वो होनी चाहिए समझ होनी चाहिए वो नहीं पैदा हो पाए। ज़बरदस्ती आप कोई भी आइडियोलॉजी किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे उससे वो निज़ाम पूरे तौर पर कायम नहीं हो पाता और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसानी कमज़ोरी है जिसकी तरफ भी मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। अब इन मामलात को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी हम लोग चीज़ें कर चुके हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक की 2017 में एक मामूली सी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये 2017 की रिपोर्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन और लॉस की मेन थीम है। तो उसमें जो वो ख़ास बात कहना चाह रहे हैं वो ये कि बाज़ वक़्त बेहतर से बेहतर बनाई गई स्कीमें पॉलिसीज़ तरह तरह के प्रोग्राम या तो लागू ही नहीं किए जाते या फिर अगर लागू भी किए जाते हैं तो उनके नतायज वो नहीं होते जो उम्मीद की जा रही थी। मसलन ये कि अगर इस एक मसले की तरफ आपकी वो अब से कोई सन 75 की बात है जब बच्चों के बारे में कौमी क्या वो पॉलिसी बनाई जाए उस डिस्कशन में इत्तेफाक से मुझको भी जाने का मौका मिला और उस चिल्ड्रन पॉलिसी बच्चों के मुतालिक पॉलिसी की पूरी जो उन्होंने उस पर रखी थी कि हमें दुनिया में जो
5 سال سے پہلے بچے مر رہے ہیں اس تعداد کو اس وقت وہ 100 سے اوپر تھی تو اس کو ہمیں 100 سے نیچے لانا ہے ہمیں 2 حدود میں ہی اس کو رکھنا ہے اس سے اوپر اس کو نہیں جانے دینا ہے ورنہ ہماری باہر بہت دوسرے ملکوں میں بہت بدنامی ہوتی لیکن آپ سوچئے تو اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس پالیسی میں پورے تمام ریسورسز جو تھے اس کا ایک بیشتر حصہ اس کے اوپر لگانے کی اسکیم بنائی گئی اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے کچھ نتائج کے اوپر نظر ڈالیے کہ آج جو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑکوں پر بہت سے بچے ملتے ہیں لاتعداد جن کی تعداد لاکھوں میں ہے نہ ان کے اوپر گھر ہے نہ ان کے پاس خاندان ہے نہ ان کے ماں باپ ہیں نہ ان کا کوئی فیوچر ہے وہ بھی ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی اسکول میں تعداد تو بڑھی لیکن جیسا بہت سی جگہ آپ نے جنہوں نے سچ بولنے کی کوشش کی انہوں نے یہ بتایا کہ 5 سال تک بچے اسکول گئے لیکن سیکھا کچھ نہیں انہوں نے تو ایسی تعلیم اور ایسی وہ جو بھی ہم نے کوشش کر کے حاصل کی اس سے کیا نتیجہ نکلا اور اس کے بعد بھی اس کے اور بھی بہت سے وہ شامل ہوئے تو اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں جا پایا کہ پالیسی تو بہت اچھی ہے کہ ہمیں بچوں کے اوپر جتنا بھی وقت ہو سکے گزارنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہ ہو پانے کی وجہ سے اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ کچھ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھے جس سے اور اب میں آپ کو اس طرف جس سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سن 78 میں لیونارڈ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ ہم لوگ پسماندہ طبقات کی مدد کرنے کی کوشش تو بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن خاص طور سے اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں جس کو آپ عام طور طریقوں سے جو ابھی سوشل ورک میں رائج ہیں جس میں خاص طور سے مشورہ دینا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا طرح طرح کی لیول پر چاہے وہ ایک آدمی کے ساتھ کام کرنے کا ہو یا پورے گروہ کے یا پوری بستی کے ساتھ کام کرنا ہو ان سے کام طریقوں سے کام کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو اسٹرکچرل بیریئرس کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ آپ نہیں توڑو گے یا اس کے بارے میں نہیں اپنی سمجھ کو بہتر بنائیں گے تو وہ ڈھونڈنے کی کوشش جب سوشل ورک نے کی تو وہ سوشالوجی کی طرف مخاطب ہوئے سوشالوجی کی طرف جب مخاطب ہوئے تو سوشالوجی والے بھی ان کی طرف انہوں نے سوشل ورک کو کہا کہ آپ لوگوں کی حیثیت تو خواتین جو اچھے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ ہے اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے لیکن وہ بھی یہ نہیں بتا پائے کہ ان معاملات کو جو زیادہ مشکل ہیں ان کو حل کرنے کی لیکن بعد میں انگلینڈ میں خاص طور سے ان کے سوشل ورکر کچھ زیادہ بہتر ایماندار تھے خاص طور سے وہ سوشل ورکر جو بستیوں میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بستیوں میں کام کرنے کے جو تاثرات تھے اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود پورے 10 سال کے عرصے میں جب وہ ناکام ہو گئے اس کے بارے میں انہوں نے 2 یا 3 کوششیں کیں اس کو سمجھنے کے لیے اور وہ سمجھنے میں انہوں نے جو پورا اپنا وقت خرچ کیا اس کی کچھ معمولی سی جو وہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی آج کی تاریخ میں ہماری کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہیں اس میں خاص طور سے جو ایک اس میں لیکن آپ
शायद अंग्रेजी पढ़ने में आपको दिक्कत होगी तो मैं आपको उसमें दो चीज़ें ख़ास तौर से उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि एक तो सोशल वर्कर्स जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसी भी तरह की खिदमात अंजाम देते हैं तो जो इदारा उनसे ये काम ले रहा है वो उनके ऊपर अपना एक तरह की पकड़ बनाता है और उनको अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर कराता है। यही आप भी जब काम करने जाएंगे मुख्तलिफ़ एनजीओस के साथ और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के साथ या इंटरनेशनल इदारों के साथ तो वहाँ इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा, सोचिएगा ठहर के दो चार मिनट कि हम जो काम कर रहे हैं उसके क्या नतायज होंगे और किस तरह से जो ये हजरात हैं इनकी कौन सी मुसीबतें कम होंगी और न सिर्फ कौन सी मुसीबतें कम होंगी बल्कि उसके साथ ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि कितने दिन के कितने अरसे के लिए कम होंगे, क्योंकि ये भी याद रखिए कि एक दफ़ा जिसकी आपने मदद की किसी मसलन आपने उसको स्कूल तक पहुंचा दिया, तालीम तक पहुंचा दिया या उसकी सेहत कुछ वक्त तक बेहतर कर दी, क्या वो आगे भी चलती रहेगी या फिर कोई और नई मुसीबत आएगी और ये फिर से सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। यानी इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी कि वो कितने दिन तक कायम रह पाएगी, ये मसला भी अपने जहन में बार बार वाज़ह करने की कोशिश करें और जो भी करें उस काम में ख़ास तौर से इसका होना इस बात का कि वो आगे भी चलता रहेगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा ये भी हम कह सकते हैं, या उसके आसपास आप कुछ ना कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम या कुछ ऐसे वो बना देंगे कि वो चीज़ मुस्तकिल कायम रहेगी और आप खाली जितने वक्त उसके साथ काम करें उतने दिन ही नहीं चलेगी। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ मैं अपने साथियों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने आपसे जो एक अच्छे काम की तरफ जो यहाँ हुआ उसकी तरफ इशारा किया कि इन्होंने 40 के करीब ऐसी एक्सरसाइजेस बनाई हैं कि जो आपके अंदर किसी तरह की स्किल का या ख़ास तौर से एक महारत का वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मानू के बच्चों का हवाला देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ख़ास तौर से वो बच्चे जो ख़ुद एक पसमानदा उससे आए थे, जो किसी कॉलेज में किसी उसमें उससे पहले नहीं गए थे और यहाँ पहली दफ़ा एक ऑर्गेनाइज बड़ी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बने, कि उनको बात करने में भी ख़ास तौर से नए आदमी से बात करने में जिसको वो नहीं जानते थे एक झिझक महसूस होती थी, वो एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक आम तरह की चीज़ है जो मिलती है आमतौर से उन लोगों में जिन्होंने कभी इस तरह के तजुर्बे पहले नहीं किए, तो इसलिए उसको भी सिखाने की और दूसरे अपने बारे में वो क्या सोचते हैं और अपने बारे में उनका ख़ुद का क्या पूरा सोचना है वो दोनों चीज़ें जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी बनाने की जो उन्होंने कोशिश की, उसी तरह की और कोशिशें भी होनी चाहिए। अगर हमें बहसियत सोशल वर्क जैसे आप देख रहे हैं कि मेडिकल उसने बहुत सी तरक्की की है मेडिकल प्रोफेशन ने, लेकिन आज भी बहुत सी बड़ी बीमारियां जो हैं उसके बारे में उनकी समझ पूरी नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन आपके प्रोफेशन से ख़ास तौर से बेहतर इस उसमें है कि दूसरे लोगों ने उनको नई नई दवाएं बना के दी, उनको एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज़ें दे दी, उसी के साथ साथ बीमारी क्या है उसको मालूम करने की तमाम तरह के आलात
बना के उनको दिए, जिससे उनका काम बहुत आसान हो गया। एक्सरे है और तरह तरह की मशीनें हैं, जिससे आज की तारीख में आप इंसान के दिमाग तक में देख सकते हैं कि वहाँ के आपके पास क्या है। कुछ नहीं। आप किसी इंसान को क्या किसी तरह से वो करके ये मालूम कर सकते हैं कि उसकी समझ किस तरह की है और किस तरह से वो किस हालात में पेश आता है, ये अपने आप में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को तो आप अपने उसके ज़रिए से उस बदलने की कुछ हद तक कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी पसमानगी से और दूसरी परेशानियों से निकल सके। तो जब तक हम इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो जो एक मैं पहले आपसे कह रहा था कि हमारा प्रोफेशन अभी भी अपने बचपन को नहीं छोड़ पा रहा है, अपने कम उम्री से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और उसके बारे में जो कहा कि प्रोफेशंस या तो अच्छे होते हैं या बहुत अच्छा काम इसी वजह से कर पाते हैं कि उनके पास खुद कितनी काबिलियत है और खुद कितनी उनकी क्या चीज़ों को समझने की, ख़ासतौर से जिस काम को करने की वो कोशिश कर रहे हैं उसकी उनकी क्या खुद की अहलियत क्या है। और यही आज की सबसे बड़ी दो परेशानियां हैं जिसकी वजह से दुनिया की बहुत सी चीज़ें हम नाकाम हो रहे हैं, कि ना तो हमारे पास वो समझ है कि क्या चीज़ कैसे की जाएगी और ना उस चीज़ को करने का शौक़ है। जो भी हम करते हैं वो पूरे तौर पर उसको अपना काम समझ के या ये समझ के कि ये हमारी बहुत बड़ी सामाजिक और अदरवाइज ज़िम्मेदारी है कि हमें जो काम, मसलन ये कि तालिब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में और स्कूल्स के बारे में, ख़ास तौर से स्कूल्स के बारे में तो हम लोगों को बहुत काम करना है, क्योंकि वहाँ का अगर आप देखें तो हमें हर स्कूल को ज़ीरो ड्रॉप आउट, कि जहाँ से एक भी बच्चा स्कूल से बाहर ना जाए अपनी तालीम मुकम्मल किए हुए, और उस तालीम की खासियत और उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी अपने आप में बहुत अच्छी हो, ये दो मकासद हासिल करने। और ये दो मकासद हासिल करने के लिए क्या करना होगा वो भी बहुत आसान है, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और वो सिर्फ इस तरह से हो सकता है कि वहाँ जितनी भी तरह के इंसानी रिश्ते हैं उनकी आप एक फहरिस्त बनाने की कोशिश कीजिए और उनको फिर एसेस करने की कोशिश कीजिए कि वो रिश्ते कहाँ तक ऐसे रिश्ते हैं कि जिनको आप अच्छा ही कह सकते हैं, सिर्फ अच्छा, या जिसको आप नॉर्मल कहें कि एक उस्ताद और बच्चे के बीच में कम से कम उसमें नफ़रत का या किसी बायस का कोई वो ना हो, उनसे ना हो, इतना तो आप कर सकते हैं अपनी उनको समझाने की जो आपकी लियाकत हो उसके ज़रिए। तो वो भी हमारे पास अभी इस वक्त आसानी से हम नहीं कर पा रहे। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि सिर्फ फैज़ की नज़्म सुनने के बाद अगर हमारे अपने दिलों में थोड़ा सा भी एक दर्द का एहसास हमको महसूस हो, तब आप ये समझें कि आपने पहला कदम उस रास्ते पर उठा लिया है। लेकिन रास्ता फ़िलहाल बहुत लंबा है और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन चंद जुमलों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बाद में आप और कुछ पूछ सकते हैं। मैं पूरे डिपार्टमेंट की जानिब से प्रोफेसर एच वाई सिद्दीकी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कुछ लोग उस्ताद होते हैं, कुछ लोग उस्तादुल असाज़दा होते हैं, यानी टीचर ऑफ़ टीचर्स होते हैं। प्रोफेसर एच वाई सिद्दीकी साहब उनमें से एक हैं। इतना हैरान कर देने वाला और इतने आदाद शुमार से जिस तरह से उन्होंने हमें आज रोशनास कराया, यकीनन ये आँख खोल देने वाला है। सर, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, मेहमान एजाजी हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
کے نائب شیخ الجامعہ پروفیسر شکیل احمد صاحب سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نشست یعنی افتتاحی نشست اور سیمینار کے متعلق جو بھی آپ کے احساسات ہیں آپ ان کو یہاں پر درج کریں. پروفیسر شکیل احمد صاحب پلیز پوڈیم پہ آئیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مانو کے بہاف پہ پروفیسر ایچ وائی صدیقی صاحب کا ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ یہ ہمارا دعوت نامہ قبول کیا اور یہاں آئے اور عزت بخشی. میں اس لیے ان کی وزٹ بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ ایچ وائی صدیقی صاحب جو ہیں ایک چلتے پھرتے انسٹیٹیوشن ہیں. آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے, جس طریقے سے وہ سب سے آڈینس سے کنیکٹ ہوئے, اور اتنی زبان اتنی آسان تھی, جو بیان جو انداز بیان تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں, یہاں سے نکلی اور آپ نے فوراً. اب یہ بات وہ اتنی بڑھیا طریقے سے بھی اور طریقے سے بھی رکھ سکتے تھے کہ آپ کے سر سے اوپر گزر جاتی, آپ 10% 20% آپ اپنے آپ میں لے پاتے, باقی آپ ہوا میں ہو جاتا کام اس کا. لیکن جو جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے اس کا بیٹھنا آپ کے دماغ کے اندر دل کے اندر سوچنے پہ مجبور کر دینا, یہی تو ایک بیوٹی ہوتی ہے بڑے آدمی کی. دیکھیے آج کی ڈیٹ میں میں ایک بات بتاؤں, جو پچھلے دنوں میں پچھلے ریجیمز میں جو اچھے کام ہوئے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا جو میں کنسیڈر کرتا ہوں, اور وہ کی اوپینین دوسری ہو سکتی ہے, پروفیسر ایچ وائی صدیقی صاحب کا مانو کے اندر 4 سال رہنا اور ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک کو اپنی جو بھی ان کے ایکسپیرئنسز تھے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دیں اس کو دیا پوری طریقے سے, اور وہ نظر آتا ہے. ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ہمارا ایک بہترین ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ہے, اس میں دو رائے نہیں ہیں. تو سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, میں نے آپ کا بہت نام سن رکھا تھا. آپ مجھے پتا ہے سوشل ورک میں آپ کا نام بہت عزت سے لیا جاتا ہے, آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے, اور میں خاص طور سے مانو میں جو آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے, میں آج جو جس لیول پہ ڈپارٹمنٹ سوشل ورک کو دیکھتا ہوں اس میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور کیونکہ میں آج